हे गाइस, तो कैसे हैं आप लोग? और मैं उज्जैन आ चुका हूँ और अभी जस्ट तैयार हुआ हूँ। और अभी का हो रहा है एक एक बज चुका है और खाना मंगवा लिया है। कोई खाना ना खाते हैं और फटाफट निकलते हैं यहाँ से उज्जैन के लिए। तो पहले खाना खाते हैं और फिर महाकालेश्वर के दर्शन कराते हैं। हे गाइस, सो हम लोग निकल चुके हैं अभी फ़िलहाल। वो है पीछे होटल, वहाँ से आ गए हम लोग पैदल पैदल। अब यहाँ से जाते हैं सीधे ऑटो देखते हैं, ऑटो से फिर सीधे महाकालेश्वर। तो चलते हैं पहले ऑटो देखते हैं फटाफट। हे गाइस, तो हम लोग बहुत दूर पैदल आ चुके हैं, आधा किलोमीटर हो गया, ऑटो नहीं मिल रहा हम लोगों को। और भोलेनाथ हम लोगों की ले रहा है परीक्षा, और साक्षात भोलेनाथ हमारे साथ ही चल रहे हैं। वो बोल रहे थे कि हम भोलेनाथ से सीधा संपर्क है हमारा, ऐसा बोल रहे थे वो। अभी यहाँ पे कहीं पे भी ऑटो नहीं दिख रहा हम लोगों को, बहुत दूर दूर तक चलते जा रहे हैं। ये देखो पूरी रोड खाली डली है, एक भी गाड़ी नहीं आ रही। और ये एनसीसी कैंप है साइड में, एनसीसी कैंप है। यहाँ पर जानवर हैं एनसीसी वाले, मोर वगैरह। वो मैं उज्जैन से रिटर्न आऊँगा तो तब बताऊँगा आपको। तो अभी फ़िलहाल चलते हैं महाकालेश्वर और देखते हैं गाड़ी जो कि मिल नहीं रही है। चलो देखते हैं आगे। तो हम लोग पहुँच चुके हैं फिलहाल उज्जैन, और ऑटो नहीं मिला हम लोगों को। हम लोग धीरे धीरे पैदल ही आ गए और पहुँच चुके हैं। थक गए बहुत ज़्यादा, अभी पता नहीं और कितना दूर चलना है। चलते जा रहे हैं, सामने कुछ नज़र नहीं आ रहा, भीड़ ही भीड़ है, बहुत ज़्यादा भीड़ है यहाँ पर। जाते जा रहे हैं अभी, चलो आपको बताते हैं यहाँ की भीड़। मेला भी लगा हुआ है। फिलहाल तो ले लिया है हमने गमछा जय श्री महाकाल का, कुछ निशानी दिखनी चाहिए ना कि महाकालेश्वर आए। और अभी लगवा रहे हैं टीका, लगा दूंगी। तो गाइस लग चुका है फिलहाल, अब लग रहा है कि आए हैं महाकाल, महाकाल के दर्शन करने के लिए। तो चलते हैं अभी फ़िलहाल फटाफट दर्शन करने के लिए। और मेरे बाकी फ्रेंड्स भी आए हैं, बट ये लोग यहीं रहते हैं हॉस्टल में। इन लोगों ने कुछ नहीं करवाया है ना कुछ लिया है। हम लोग दो ही लोग आए थे तो हम लोग दोनों लोग ने लगवा लिया है। तो हम लोग आ चुके हैं फिलहाल श्री माँ छिप्रा नदी। छिप्रा नदी जो भी है, जैसे नर्मदा नदी, गंगा नदी, यमुना नदी, वैसे ये छिप्रा नदी के नाम से प्रसिद्ध है ये वाली नर्मदा। और यहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ है, सब लोग नहा रहे हैं और यहाँ का बहुत ही अच्छा माहौल है। बहुत दूर दूर तक भीड़ ही भीड़ है यहाँ। चलो आपको दिखाते हैं। फिलहाल तो महाकालेश्वर मंदिर में बहुत ज़्यादा भीड़ थी, तो हम लोग छिप्रा नदी घुमाने के लिए ले आए। और अब इसके बाद सीधे जाते हैं महाकालेश्वर। अब जितनी भीड़ रही आए सीधे दर्शन करेंगे, फिर वहाँ से निकलते हैं। चलते हैं।
कर नहीं पाया, बट थोड़ा थोड़ा वीडियो शूट किया मैंने, देख सकते हैं आपने देखा होगा। तो यार बहुत ज़्यादा रिस्की काम था, वो मोबाइल जब्त हो सकता था, तो फिर भी कर लिया मैंने। और अब ये यहाँ आ गए हैं, कुछ सामान ले लिया है, अब यहाँ से चीज़ें निकलते हैं रूम के लिए। और यार पानी बहुत ज़्यादा देर से आज तक पी, तो अभी तो फिलहाल सबसे पहले जाते हैं पानी पीने के लिए, फिर जाते हैं कुछ खाने पीने, फिर रूम निकलते हैं, जाते हैं पानी पीने पहले। हे गाइस, तो हम लोग आए हैं अभी फिलहाल काल भैरव मंदिर, उज्जैन का, उज्जैन का दूसरा फेमस मंदिर काल भैरव मंदिर। यहाँ पर RS की दारू चढ़ाई जाती है, MD रम और बिस्की की बोतलें चढ़ाई जाती हैं, बट हम लोगों का लक ख़राब है कि आज दारू चढ़ाई नहीं गई है, कुछ भी नहीं चढ़ रहा है, नॉर्मल प्रसाद चढ़ रहा है। और हम लोग दारू चढ़ाने के लिए आए थे, तो दारू चढ़ाई नहीं रही है। अब देखते हैं, आगे जा रहे हैं, अभी फिलहाल दर्शन करने के लिए जा रहे हैं, तो आपको भी दर्शन करा देते हैं, चलते हैं अभी। धीरे धीरे चलते हुए आ गए हैं हम, जैसा कि आपने देखा बहुत दूर से यहाँ पे भी चल के आना पड़ा, और महाकालेश्वर में भी बहुत दूर से चल के आना पड़ा रहा, और काल भैरव में भी ऐसे ही चल के आना पड़ा, थक तो गए हैं। और सबसे पहली बात, मोबाइल अंदर ले जाना अलाउड नहीं है, तो मैं आपको भगवान के दर्शन नहीं करा पाऊँगा, सॉरी उसके लिए। तो अभी चलता हूँ, मैं जाता हूँ अंदर दर्शन करता हूँ, फिर उसके बाद आपसे मिलता हूँ, ठीक। अंदर मोबाइल ले जाना तो ऐसे अलाउड नहीं था, बट मैं लेके चला गया था, और मैंने पहले ही बताया था आपको कि मोबाइल ले जाना अंदर अलाउड नहीं है, बट लेके गया मैं, और अब वीडियो भी बनाई और दर्शन भी कराया आपके। और अब जाते हैं फटाफट ऑटो के पास, और ऑटो वाले से पास से जाते हैं स्टेशन टिकट बुक करने के लिए, तभी चलते हैं ऑटो वाले के पास। 3 स्टार नहीं तो सिंगल स्टार बोल सकते हैं। फिलहाल आ चुके हम लोग उज्जैन जंक्शन, उज्जैन स्टेशन आ चुके हैं हम लोग अभी। अभी हम लोगों की ट्रेन है 12 बजे से, तो अभी जा रहे हैं धीरे धीरे टाइम पास करते हुए, खाना पीना खाते हुए, और अभी जा रहे हैं। मिट्टू बैठे हैं यहाँ पर पूरे पेड़ में, हम आपको दिखाते हैं 1 मिनट, पूरे पेड़ में मिट्टू बैठे हैं मेरे जस्ट ऊपर, मैं जूम करके आपको बताता हूँ। पूरा घूम के दिखे पूरी जगह मिट्टू बैठे, गौर से देखिए आप, गौर से, या अलग वाले तो अलग ही देखेंगे।
पूरे पेड़ में मिट्टू बैठे हैं ऊपर से नीचे। इस वाले पेड़ में पूरे में मिट्टू ही मिट्टू बैठे हैं। वीडियो बना और वीडियो पूरे पेड़ में मिट्टू ही मिट्टू बैठे हैं। तोता को पीड़े को